नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अब हमला होकर रहेगा। इसराइल का ऐसा दावा है कि वो ईरान को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने जिस तरह से बड़े हमले किए, इसराइल में जिस तरह का नुकसान हुआ, उसको लेकर अब कहा यह जा रहा है कि अब हमला होकर रहेगा। और अब इसराइल की मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि ये कब होगा, कैसे होगा, इस बात को बड़ा गुप्त रखा गया है। बड़े गुप्त तरीके से इस पूरे मामले की एक तरह से कह लीजिए प्लानिंग कर ली गई है। ये प्लानिंग क्या है, किस तरह से, कब हमला होगा, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, इसराइल अब हमला करेगा और इसराइल की जो सरकारी मीडिया है उन्होंने ही इस बात को कहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस बार जो हमला होगा इसराइल की तरफ से बड़ा होगा, लेकिन बड़े गुपचुप तरीके से, कानों कान, किसी को खबर नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप नीलू। जो जिस शब्द की या जिस सेंटेंस की बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में और इसराइल में चर्चा हो रही है वो ये है कि इस बार प्लान लीक नहीं होगा। हाँ, देखिए ये एक सेंटेंस है जो कि सोशल मीडिया में जिसकी बहुत चर्चा है। देखिए बताया जाता है कि 16 अक्टूबर को इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन 16 अक्टूबर को ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। और लीक भी कहाँ से हुई, कहते हैं कि अमेरिका की एजेंसीज की तरफ से ये खबरें लीक हुई। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि अब ऐसा बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान पर हमले का पूरा खाका तैयार कर लिया है, पूरा प्लान तैयार हो गया है। और इस बार खास बातें हैं उसकी कुछ। पहली बात तो ये कि ऐसा बताया जाता है कि इस बार इसराइल अमेरिका को भी ये जानकारी नहीं देगा कि हमला कब होना है, ऐसा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा है, एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने तय किया है कि हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले पेंटागन को और अमेरिका को बताया जाएगा कि हम हमला करने जा रहे हैं। बात नंबर एक। बात नंबर दो, इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, ऐसा बताया जाता है कि नेतन्याहू ने उनको भी इस बार जानकारी नहीं दी है कि हमले की क्या तारीख होगी। देखिए योव, बहुत अजीब मतलब बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि योव गैलेंट को नहीं पता होगा कि हमला कब ईरान पे। योव गैलेंट बताया जाता है कि अमेरिका के ज्यादा करीब है, बाइडन के ज्यादा करीब है बजाय नेतन्याहू के। तो देखिए अच्छा। इस बार नेतन्याहू किसी पे विश्वास ट्रस्ट करने को रेडी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ IDF के चीफ और नेतन्याहू, सिर्फ ये दो लोग जानते हैं कि ईरान पर हमला कब और कैसे होना है। तीसरी चीज, हमले की तारीख तय हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने हमले की तारीख भी तय कर ली है और सिर्फ जानकारी IDF चीफ को है और नेतन्याहू को है। देखिए इस बार जो है, पिछली बार जिस तरह से हमले का पूरा प्लान लीक हुआ और उसके बाद ईरान अलर्ट हो गया, यहाँ तक कि कहाँ हमले होने हैं ये जानकारी भी बाहर आ गई, इसलिए इस बार जो है कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने बहुत गुपचुप तरीके से पूरा अच्छा, प्लान बनाया। ये बताइए, चूंकि अमेरिका, हालांकि देखिए जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको लेकर अमेरिका हमेशा से ये कहता रहा है कि बड़े हमले से बचा जा सकता है जिससे हालात नियंत्रण में लाया जा सके, लेकिन वो साथ साथ इसराइल का साथ भी दे रहा है। अभी थर्ड भी उसे दिया और उससे कहते हैं कि एक जो कॉन्फिडेंस जो था इसराइल का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बाद वो हमले की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका नहीं चाहता कि कोई बड़ा हमला हो। उसके पीछे उसकी वजह ये है जो कि एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि शायद अमेरिका ये नहीं चाहता कि वहाँ राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, उस चुनाव के दौरान या उसके ठीक पहले किसी तरह का बड़ा वॉर छिड़ जाए, ऐसा अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया गया है इसराइल को कि आप अगर अटैक करना चाहते हैं तो वो अटैक चुनाव के बाद हो, उसके पहले ना हो। हाँ, क्योंकि हमने देखा पीछे, क्योंकि अमेरिका में भी फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे और उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया, तो चुनाव काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है अगर ये हमला हुआ। देखिए अमेरिका में जो युवा वोटर्स हैं उनमें ऐसा बताया जाता है कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि अब मिडिल ईस्ट में किसी तरह का खून खराब आओ। और कई बार हमने देखा कि अमेरिका की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रोटेस्ट किया। तो एक बड़ा वोटर्स का ग्रुप अमेरिका में भी है जो कि वॉर नहीं चाहता। अब देखिए एक तरफ अमेरिका में चुनाव होने, ऐसे हालात में एक थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल जो है वो हमेशा चुनाव के पहले होता है। तो शायद एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पहले हम। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, 5 नवंबर को वहां पर वोट गिरने हैं, वोट पड़ने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है अमेरिका का चुनाव, ऐसे में कोई किसी तरह की। लेकिन देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि पिछली बार जो प्लान लीक हुआ वो कैसे लीक हुआ, इसकी भी जांच करने के लिए अमेरिका ने एक टीम बना दी है। अच्छा। और जो कि ये पूरी जांच कर रही है कि ये हमले का प्लान आखिर लीक कैसे हुआ। अब देखिए अभी जो बताया जा रहा है कि अगर इसराइल हमला करता है तो
क्या होगा और इसके लिए ईरान ने क्या तैयारी कर रखी है। देखिए पहली बात तो जो जिस तरह की चर्चाएं हैं कि IRGC का जो ईरान में सेंटर है, मुख्यालय है, वो इसराइल के निशाने पर है। न्यूक्लियर जितने सेंटर्स हैं वो निशाने पर हैं, ऑयल रिफाइनरी निशाने पर हैं, और खेमेनी कॉम्प्लेक्स जो है जहाँ पे खेमेनी खुद रहते हैं वो ये वो टारगेट्स हैं जो कि इसराइल के निशाने पे हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पे या तो बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल हमला कर सकता है और या फिर फाइटर प्लेन से, फाइटर जेट से भी जो है वो F-35 जेट से भी हमले हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसराइल हमला करता है, जिसकी बहुत संभावना है, देखिए नेतन्याहू जो है वो सरप्राइजेस देने में माहिर है और कभी भी कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, भले अमेरिका उसकी परमिशन दे या ना दे। ये 3 बार हम पहले देख चुके हैं कि इसराइल की तरफ से हमला हुआ और अमेरिका को जानकारी नहीं दी गई थी, जिसको लेके बाइडेन काफी नाराज भी हो गए थे। अब देखिए अगर इसराइल की तरफ से हमला होता है तो सवाल ये है, दो बड़े सवाल, पहला ईरान क्या करेगा, ईरान के डिफेंस के लिए क्या तैयारी है वो हम आपको बताएं। देखिए एक एक प्रकार से ईरान भी ये जान रहा है कि इसराइल की तरफ से हमला तय है। ईरान ने 4 लेयर की कहते हैं कि सुरक्षा बना रखी है इसराइल के हमले को नाकाम करने के लिए। पहला एक तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसा कहते हैं कि रशिया ने ये, रूस ने ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान को दे दिया है, जिसको उन्होंने अपने सभी जहां पे उनके न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उसके आसपास, जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात है उसके आसपास इसे लगा दिया है। दूसरा है साइलेंट हंटर ड्रोन सिस्टम, ये भी जो है किसी तरह के इसराइल के हमले को नाकाम करने में सक्षम है अपने आप में, और इसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। सुखोई 35 फाइटर जेट्स हैं, ये पूरे 24 आवर्स अलर्ट पे खड़े हुए हैं कि अगर किसी तरह के F-35 प्लेन्स एंटर करते हैं ईरान में तो उसको तुरंत काउंटर किया जाए। और साथ ही फतह 110 मिसाइल्स जो है ये भी ईरान ने लगा रखी है। देखिए ईरान की तरफ से भी जो है वो इसराइल को काउंटर करने की पूरी तैयारी है, काफी वक्त बीत चुका है ईरान के हमले को लेके। और अगर इसराइल ने, यानी मयंक कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर ये हमला इसराइल की तरफ से किया जाता है तो फिर मतलब कह सकते हैं विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इधर भी हथियार तैनात हैं, इधर भी हथियार हैं, दोनों तरफ से एक माइंडसेट के साथ कि अब अगर सामने वाला हम पर हमला करेगा तो पलटवार भी जबरदस्त। अगर ईरान पे किसी तरह का हमला होता है, न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होता है, रूस ने पहले ही साफ कर दिया है, पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से साफ मैसेज है कि आप अगर न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करते हैं तो उसका परिणाम भी बड़ा भीषण होगा। देखिए न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक होना, हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अगर न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक होता है तो उसके बाद जो है ये एक बड़ा वॉर, और ये कोई नहीं चाहता, खासतौर पर जो सपोर्ट करने वाले देश हैं, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, ये सब नहीं चाहते कि मतलब उनके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट या किसी तरह से उन पर हमला किया जाए। लेकिन अगर नेतन्याहू नहीं मानते हैं, देखिए नेतन्याहू के लिए ये एक प्रेस्टीज इशू है, ईरान की मिसाइल्स अंदर आती हैं, हमले होते हैं और अभी तक इसराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो ऐसा बताया जाता है कि ये इसराइल की जनता के सामने नेतन्याहू अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं, है ना, उसके सामने उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं, इसलिए नेतन्याहू ने प्लान तो तैयार कर रखा और हमला तो जरूर होगा, ये बात तय है, चाहे अमेरिका में चुनाव के पहले हो चाहे बाद में। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का भी कहना है कि हो सकता है हमला पहले हो जाए, लेकिन अब देखना होगा कि ये हमला कब होता है, क्योंकि जब ये हमला होगा इसराइल की तरफ से तो ये बड़ा हमला होगा और इसके बाद कह सकते हैं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हालात जरूर बदलेंगे। तो मेरे और मयंक के साथ आज इस चर्चा में बस इतना ही, इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।